मजीद भाई की पहली बरसी पे उनकी फैमिली के लिए टाइम निकाल के यहाँ पे आए और हमारी यादों को रोशन किया। नवीद भाई आज उनका एक साल मुकम्मल हो गया। आज उनकी घर में हमने फैमिली ने इकट्ठे होके कुरान खानी की, लेकिन उसकी यादों को या उसको देखा जाए तो एक पल भी जीने के लिए दिल नहीं करता कि अब जिया जाए, लेकिन अल्लाह ही है जो हमें हौसला देता है। अल्लाह आपको मज़र सब्र दे। छोटी सी उम्र में जूनियर टीम में आया, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, सीनियर टीम में आ गया, गैर ममालिक में भी कोच रहा हॉकी का, पाकिस्तानी टीम में भी वो कोच रहा। घर में इसको पप्पू कहते थे जी। कोई पप्पू की ऐसी बात जो आज भी माँ याद करती है, जो आप याद करते हैं? पप्पू की ऐसी कोई भी बात नहीं जो उसकी भूलने वाली हो, कि मेरी एक साल हो गया, मेरी माँ आज भी कहती है कि पप्पू ने लाहौर से वापस, ऑफिस से वापस आ जाना है। एक साल गुजरने के बाद उसकी यादें इतनी क्या के दुनिया भाई बता नहीं सकता। वो बड़ों के साथ बड़ा, बच्चों के साथ बच्चा, प्लेयर के साथ प्लेयरों वाला, एक बाप की हैसियत भी, भाई की हैसियत भी, हर हैसियत उसके उसमें फन था, हर फन मौला था, हमारा दिल का टुकड़ा था। बच्चे कितने हैं नवीद आलम के? दो बेटियां और दो बेटे। बेटियों की शादी हो गई? एक बेटी की शादी हो गई और दो बेटे जो है वो पढ़ रहे हैं और बेटी भी पढ़ रही है लाहौर। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी नवीद आलम ने बामे अरूज तक पहुंचाया, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया हॉकी के मैदान में, तब क्या हॉकी आज उस मुकाम पे क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये एक तो ये है कि हॉकी का तो अब जो सूरत हाल है वो अल्लाह ही है। और मुझे याद है कि जब नवीद भाई सेक्रेटरी पंजाब थे, डायरेक्टर डेवलपमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में रहे, तो बड़े बड़े ख्वाजा ज़काउद्दीन समीउल्लाह जैसे नाम, चोरी अख्तर सूल जैसे नाम, जो कहा करते थे कि एक नवीद आलम है, अगर एक और नवीद आलम पैदा हो जाए तो पाकिस्तान हॉकी अरूज पर जा सकती है। इसके लिए जुनून की, डिवोशन की और जद्दोजहद की ज़रूरत है जो उसमें थी। और ये बड़े बड़े नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप इनसे कभी भी पूछते थे कि नवीद आलम की लाइफ क्या थी, वो बड़े बड़े नाम जो कहते थे कि अगर एक और नवीद आलम आ जाए तो पाकिस्तान हॉकी अरूज पे चली जाएगी। हाँ, सिस्टम नहीं है, हमारे सिस्टम का बड़ा फुकदान है कि नवीद आलम ने सारी ज़िंदगी अपनी हॉकी के लिए वक्फ कर दी और हॉकी वालों के मामलात और हॉकी वालों के बच्चे आज भी उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन पर एक वर्ल्ड चैम्पियन प्रोवाइडर ऑफ परफॉर्मेंस बंदा हो और उसके मामलात और उसकी स्ट्रगल पर कोई ऑनर नहीं है इस मुल्क में। ग्रास रूट का ओरिजिनल लोग, अभी हम उनको साइड पे कर देंगे, उनका शौक पूरा नहीं होने देंगे तो फिर हॉकी कैसे ऊपर आएगी? इस जरखेज़ मिट्टी में हॉकी का बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन इस पर एक सिस्टम की, ऑर्गेनाइज की और डिवोटेड एक जुनूनी इंसान की ज़रूरत है। अल्लाह पाक वो पाकिस्तान में नवीद आलम जैसा कोई जुनूनी बंदा पैदा कर दे।
ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से साइड से और ना हमारी लोकल इंतजामिया की तरफ से, ना हमारी जो असम्बली के अरकान असम्बली हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा इकदाम नहीं हुआ कि वो स्टेडियम के नाम को अभी तक चेंज करवा सकें। उसके लिए हम मैं एफर्ट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए, जैसे जो भी हालात होंगे अगर जो भी वो करके मैं मीडिया में ज़रूर बताऊँगा। अभी तक नवीद आलम के नाम से स्टेडियम मंसूख नहीं हुआ, लेकिन जो ये सामने लेटर जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड को लिख दिया है। तो नवीद आलम क्या चाहता था कि यही बच्चे किस अंदाज से आगे आएँ, उसका विजन जो था ग्रास रूट लेवल से आगे बच्चे किस तरह प्रमोट करने का था? जो भी उसने उस वक्त के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मीर फुल्ला खान जमाली और सेक्रेटरी थे खालिद महमूद साहब, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 4 एकेडमी लॉन्च की, एक सूबा सिंध में, सूबा पंजाब में, सूबा बलोचिस्तान में और 4 सूबों में। उनको विद जो 35 एक एक एकेडमी के बच्चे थे उनकी लॉन्जिंग बोर्डिंग एजुकेशन सब कुछ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करती थी। वो नवीद आलम का ही विजन था जो जमाली साहब को दिया गया कि उनके अखराजात हम उठाएंगे, हर हर सूबे से जो बच्चे अकेडमियों में तैयार होंगे वही टीम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, जब वो टीम में चले जाएंगे फिर उनके बैकअप के लिए हम अकेडमी के लिए बच्चे और लेते रहेंगे मुख्तलिफ अखलाक से। लेकिन वो सिलसिला जब जमाली साहब का प्रेजिडेंटशिप से उतर गए, खालिद साहब चले गए, वो सिस्टम ब्रेक हो गया और ये हॉकी ऐसे किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल की, पाकिस्तानी टीम का कोच रहा, बांग्लादेश की टीम हॉकी का कोच रहा, चना हॉकी टीम का कोच रहा नवीद आलम। इतना स्ट्रगल की नवीद आलम ने, बाहर के ममालिक का सफ़र भी किया। ज़मीन उसने, मैंने जो कुछ आज मैं हूँ ये सब कुछ मैं छोटा सा था उसके साथ अटैच था, मैं उसकी ही तरबियत में बड़ा हुआ, उसी उसकी गाइडलाइन पे जो जो नवीद आलम के विजन के ऊपर जो जो बातें, ये नवीद आलम का ही विजन बोल रहा है उसकी ही बातें हैं, कि मैंने कोई अपने से नहीं, कि उसके साथ मैंने काम किया। और हॉकी वालों को यही है कि सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट सरप्रस्ती करे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक कौमी खेल है, कौमी खेल के लिए प्लेयर के लिए जॉब्स का किया जाए, और नवीद आलम की जो हॉकी के लिए खिदमात है और नवीद आलम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाए। और जो मुझे पता है कि ग्रास रूट का जो जो प्लेयर है पता है कि नवीद आलम का क्या मैसेज था, काम काम और अच्छा काम। खेलों का फ़र्क बहुत ज़रूरी है, हकूमती सरपरस्ती में खेलों के फ़रोग की अशद ज़रूरत है। खेलों के फ़रोग से सेहतमंद माशरा तश्कील पा सकता है और सेहतमंद माशरे के लिए खेलों का फ़रोग बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद माशरा तभी मुमकिन होता है जब सेहतमंद खेलों के फ़रोग के लिए हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो। खेलों के फ़रोग से हॉस्पिटल्स को वीरान किया जा सकता है,
गुफ्तगू थी, एक दिल की बात थी जो नवीद आलम पाकिस्तान हॉकी के ओलंपियन पराइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले शोहप्रा के होनार सपूत की पहली बरसी में उनके भाई मुबशर चौधरी के साथ हमने गुफ्तगू की और वही गुफ्तगू आप तक पहुंचाई। इस रिपोर्ट के साथ मेज़बान अख्तर सुलझिंजू आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सांसों ने सांसों के साथ वफा की, तो इंशाल्लाह एक नए प्लेटफॉर्म में दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।